हाय एवरीवन, इस वाली वीडियो में यार मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कैसे आप अपने आईफोन 7, आईफोन 6, आईफोन SE में iOS 17 को इंस्टॉल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम इस वाली वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर आप गाइस आईफोन 7, आईफोन 6S, आईफोन SE को यूज़ कर रहे होंगे तो इसमें यार आप देखेंगे कि एप्पल ने जो है iOS 15 पे जो है इनका सपोर्ट ख़त्म कर दिया था। इनमें आपको कोई भी फीचर अपडेट देखने को नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे गाइस मैं आपके सामने जैसे कि मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको ऐसे यकीन नहीं होगा बातों बातों में। तो सबसे पहले यार यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेटिंग को ओपन करता हूँ। सेटिंग को ओपन करने के बाद यार यहाँ पे मैं जनरल में जाता हूँ। जनरल में जाने के बाद यहाँ पे यार आपको अबाउट में जाके दिखाता हूँ। तो इसके बाद यार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर वर्जन है यहाँ पे iOS वर्जन 15.8.3, ठीक है। और यहाँ पे गाइस मॉडल नंबर मैं आपको बताऊँ आईफोन 7 प्लस है। और जो मैं आपको यहाँ पे तरीका बताने वाला हूँ, जो आईफोन 6, आईफोन 7, आईफोन जो SE छोटा वाला है, ठीक है, इन सब में वर्क करेगा। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप iOS 18 या iOS 17 में अपडेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यार वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक जोर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को जोर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे काफ़ी वीडियोस आईफोन से रिलेटेड लेके आता रहता हूँ। सो गाइस यार यहाँ पे आप देखेंगे अभी हम अपने आईफोन के होम स्क्रीन पे हैं। सबसे पहले यार मैं आपके सामने यूट्यूब को ओपन करता हूँ। यूट्यूब पे सर्च करता हूँ हाउ टू अपडेट आईफोन 6 या आईफोन 7 इन iOS 17। इस तरीके से मैंने सर्च कर दिया हाउ टू अपडेट आईफोन 7 इन iOS 17। तो यहाँ पे यार यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोज देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि यार ये रिसेंटली अपलोड की हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे iOS 17 में ये भाई अपडेट करके दिखा रहे हैं। इसके साथ यार आपको YouTube में जैसे कि आप ही देखने को मिलेगा बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर रखी हैं कि कैसे आप iPhone 7 या फिर iPhone 6 को iOS 17 में अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने भी यहाँ पे वीडियोस अपडेट करके मतलब यहाँ पे डाल रखी है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे कि कैसे आप iPhone 7, iPhone 6 को iOS 17 में अपडेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे यार यो काफ़ी सेटिंग्स को करके दिखाते हैं, मैं भी आपको सारी सेटिंग यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यार आप करते क्या है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सेटिंग को ओपन करते हैं अपने आईफोन पे। सेटिंग पर ओपन करने के बाद यार इससे पहले यार मैं यहाँ पे आपको अपडेट दिखाता हूँ। जनरल में मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, सेटिंग में, और इसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कोई iOS वर्जन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है iOS 15.8.3 लेटेस्ट वर्जन में आईफोन चल रहा है। इसके अलावा कोई भी जो है iOS वर्जन मेरे आईफोन पे आ नहीं रहा है, और आपको भी सेम प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको कोई भी जो है iOS अपडेट देखने को नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यार अब मैं आपको सेटिंग बताता हूँ क्या क्या सेटिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी जिससे कि आपको iOS 17 मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए यार मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले तो सबसे पहले सेटिंग को आपको ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेगा, इस पर जाना है। और इस पे जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद यार यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड iOS अपडेट्स, इसको आपको इनेबल करके रख लेना है। अगर ये ऑफ हो रखा है तो आपको पहले इसको इनेबल करके रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा इंस्टॉल iOS अपडेट्स, इसको भी आपको यार अगर ये ऑफ हो रखा है तो इसको इनेबल करके रख लेना है। इससे कोई भी iOS का लेटेस्ट अपडेट अगर आपके आईफोन पर आता है तो वो डायरेक्टली जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि आपको नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, तो आपका जो अपडेट है डाउनलोड होने लगेगा और डायरेक्टली जो है आप अपडेट्स को इंस्टॉल भी कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके आईफोन पे कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यार यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब बैक आएंगे यहाँ से, यहाँ पे इधर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, इस पर सिंपली आपको टैप करना है। यहाँ पर अगर आपने इसे ऑफ कर रखा है तो इसको आप ऑन करके रख लेना, क्योंकि जो भी अपडेट की एप्लीकेशन है वह बैकग्राउंड में हमेशा रन होनी चाहिए। इसके हेल्प से आपका आईफोन जो है चेक कर पाएगा कि आपको कोई अपडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सिंपली आप बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश पे जाएंगे, इसमें आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप वाईफाई ओनली का इस्तेमाल करते हैं तब आप वाईफाई को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मोबाइल डाटा का भी इस्तेमाल करते हैं और वाईफाई का भी इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप थर्ड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि हम दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे कोई भी अपडेट है वो बैकग्राउंड पर चेक होता रहेगा, कोई भी अपडेट आता है तो आपको जो है नोटिफिकेशन उसकी आ जाएगी। इसके बाद यार इधर आपको एक और सेटिंग देखने को मिलती है। पहले आप यहाँ से बैक आएंगे, बैक आने के बाद जैसे आप सेटिंग के पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप स्क्रॉल नीचे करेंगे, इधर आपको यार ऐप स्टोर देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद यार यहाँ पे आपको जो है ऐप अपडेट्स देखने को मिलते हैं। ये ऑप्शन आपको इनेबल होना चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन को इनेबल कर देना इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड का ऑप्शन एक देखने को मिलेगा, इसको भी आपको इनेबल कर देना इस तरीके से।
तो ये सारे ऑप्शन को ऑन करने के बाद यार बैक करेंगे, यहाँ से आपको एक और सेटिंग करना पड़ेगा अपने आईफोन पे। इसके लिए आप यार प्राइवेसी पे जाएंगे, प्राइवेसी पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ट्रैकिंग देखने को मिलेगा, इस पे जाएंगे। अगर आपने इसको ऑफ कर रखा है तो इसको आप इनेबल करके रख देंगे इस तरीके से। जब आप ये सारे ऑप्शन को इनेबल करेंगे उसके बाद गाइस जो भी आपका लेटेस्ट आईएस वर्जन का अपडेट आना होगा सेटिंग में, वो आपको सेटिंग में देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है सेटिंग में। बाय डिफ़ॉल्ट एप्पल अगर आपको कोई भी अपडेट सेंड करता है तो आपको जो अपडेट है ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका आईफोन जो है उस अपडेट को इंस्टॉल भी कर लेगा। हालांकि आपको नोटिफिकेशन आएगी कि आपके आईफोन पे सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल होने वाला है, तो आप वहाँ पे इंस्टॉल पे टाइप करके और वहाँ पे आपको अपने आईफोन का पिन भी डालना होगा। इसके बाद कोई भी अपडेट को आप अपने आईफोन पे सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यार यहाँ पे बात करेंगे कि जो भी मैंने अभी यहाँ पे मॉडल बताया, आईफोन 6 हो गया, आईफोन 7 हो गया, आईफोन SE हो गया, आईफोन 7 प्लस हो गया या फिर आईफोन 6S प्लस हो गया, इनमें आपको iOS 17 या फिर iOS 18 का अपडेट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे जो है इन सभी मॉडल पे जो है iOS 17 और iOS 18 का जो अपडेट है देखने को नहीं मिलने वाला है फ्यूचर में कभी। इसके पीछे रीजन है यार, एप्पल जो है किसी भी आईफोन को 5 से 6 साल तक का ही सपोर्ट देता है। मतलब इस तरह का आप देख सकते हैं, कोई भी आईफोन अगर आप एप्पल बनाता है ठीक है, तो उसे मतलब कि एक टाइम तक की सॉफ्टवेयर अपडेट देता है। उसका जो हार्डवेयर होता है ना किसी भी आईफोन में, जो भी वहाँ पे A17 बायोनिक, A18 बायोनिक जो भी चिप डाला जाता है, A17 तो अभी आया नहीं, A16 चल रहा है अभी। तो जैसे ये मेरा आईफोन 7 है, इसमें A10 फ्यूजन एप्पल ने चिप डाल रखा था ठीक है। वो जो चिप होता है ना वो इतना पावरफुल नहीं होता है कि वो iOS 17 को संभाल पाए या फिर iOS 18 को संभाल पाए, इसलिए एप्पल जो है इनको एक लिमिट तक ही अपडेट देता है। iOS 15 जो है ये जो A10 फ्यूजन है ईजिली संभाल सकता है उसको, इसलिए हम ये आईफोन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बिंदास तरीके से, हमें कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसे iOS 16 इंस्टॉल करें या फिर iOS 17 इंस्टॉल करें तो चला ये आईफोन उसको भी लेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है काफ़ी ख़राब होने वाला है। वहाँ पे आपको जो है काफ़ी ग्लिचेस दिखेंगे, लैग्स दिखेंगे आईफोन में, इसलिए एप्पल यार सपोर्ट देता ही नहीं ठीक है। वो 5 साल तक या 6 साल तक सपोर्ट देता है किसी भी आईफोन को, और उसके बाद जो है 1-2 साल तक वो सिक्योरिटी अपडेट देता है। जैसे कि हम अपने आईफोन 7 प्लस की बात करें, रिसेंटली इसमें एक सिक्योरिटी का अपडेट आया था। पहले जो iOS वर्जन 15.8.2 पे चल रहा था, अभी रिसेंटली iOS वर्जन 15.8.3 का अपडेट आया है जो कि सिक्योरिटी का अपडेट है। वो अपडेट को मैंने इंस्टॉल कर दिया था, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे वहाँ पर मैंने वीडियो बना के दिखाया था कैसे आप आईफोन 6 आईफोन 7 में iOS वर्जन 15.8.3 को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन बराबर यहाँ पे बात करें iOS वर्जन 17 या फिर iOS वर्जन 18 इंस्टॉल करने के iPhone 6 या फिर iPhone 7 में, तो वह पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी जो चिप है वो पुरानी हो चुकी है। इसके साथ साथ ये इनकी जो रैम है वो भी कम पड़ जाती है, क्योंकि आप लेटेस्ट iOS वर्जन को रन करने के लिए मिनिमम जो है ना 4 GB की रैम होनी चाहिए। और iPhone 6 की बात करें या फिर iPhone 7 की बात करें, इनमें 2 GB रैम आती है, तो रैम भी यहाँ पे कम पड़ जाती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिक्वायर कर रहा है 4 GB रैम और इनमें आ रही है 2 GB रैम, तो कैसे ये सपोर्ट करेंगे ठीक है। तो समझ सकते हो यार कि यहाँ पे ये सब जो iOS वर्जन है ना आपके ओल्डर आईफोन पे नहीं चलेंगे, इसलिए एप्पल सॉफ्टवेयर अपडेट देता ही नहीं ठीक है। अब यहाँ पे यार बात कर लेते हैं इन यूट्यूब वीडियोज़ की, कि इतने सारे लोगों ने यहाँ पे वीडियोज़ बना रखे हैं कि कैसे आप आईफोन 7 आईफोन 6 में iOS वर्जन 17 या फिर 18 को इंस्टॉल करेंगे, तो क्या इन्होंने झूठ बोला है अपने वीडियो में? ये सब इतनी सारी वीडियो क्यों बना रखी है इन्होंने? तो गाइस इनकी मैं रियलिटी आपको बता देता हूँ, इनमें से 99.9% जो वीडियोज़ हैं वो फेक है। मैं किसी क्रिएटर का नाम नहीं ले रहा ठीक है, वो भी अपना घर वर चला रहा है ठीक है, क्योंकि उसे भी यूट्यूब पर यार पैसे वैसे कमाने, इसलिए वो थोड़ी बहुत झूठ वगैरह बोल देता होगा, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। लेकिन मोस्टली यहाँ पे 99.9% जो वीडियोस आप देखेंगे कि कैसे आप आईफोन 7 आईफोन 6 में iOS वर्जन 17 या 18 को इंस्टॉल करेंगे, मोस्टली 99.9% जो वीडियोस हैं वो फेक हैं ठीक है। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मोस्टली वीडियो फेक है। रियलिटी मैंने आपको बता दिया कि इन आईफोन में आप जो है लेटेस्ट iOS वर्जन को इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसका पीछे का रीज़न भी मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि इनका जो हार्डवेयर है वो पुराना होता है और ये सब जो iOS वर्जन है थोड़े नए हार्डवेयर पे ही चलते हैं। यहाँ तक कि अगर हम iPhone 8 की भी बात करें तो उसमें भी यार iOS 16 तक का ही अपडेट आया, iOS 17 का अपडेट उसमें नहीं आया, क्योंकि उसका हार्डवेयर जो है वहाँ पे पुराना हो चुका है। तो इस तरीके से यार आप ओल्डर आईफोन में लेटेस्ट जो iOS वर्जन है उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अगर आप यार YouTube पे इस टॉपिक पे वीडियोस को सर्च करें तो यार आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये होने वाला प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ठीक है। बाकी यार बस यही था वीडियो में यार, ताकि मैं आपको थोड़ा यहाँ पे अवेयर कर सकूँ यार कि आप अपना टाइम बचें, इस तरह के वीडियो को सर्च मत करिए, क्योंकि इन आईफोन में iOS 17 iOS 18 का अपडेट कभी नहीं आने वाला है ठीक है।
तो थोड़ा डिसपॉइंट आपको लगा होगा यार वीडियो देख के, लेकिन मेरा काम है गाइस यहाँ पे रियलिटी बताना। तो अगर आपको यार वीडियो पसंद आए यार तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार मैं यहाँ पे आपके लिए आईफोन से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ हमेशा ही। तो अगर आपको iOS के बारे में इंटरेस्ट है तो यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।